हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे यार आप लोग। हेलो गाइस, यार वीडियो बहुत लेट आ रही है तो इसके लिए सॉरी यार, वीडियो को एंजॉय। तो गाइस आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ उच्च लेवल के कल्चर की, जिसका कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म होना। सो गाइस यार, इस कल्चर की ना तो पूछ का पता है और ना ही सर का। और बात करें सेंस की तो सेंस गया भाई तेल लेने। तो साफ साफ गाइस यार, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रैंक्स के बारे में। गाइस यार, हम बात करेंगे कुछ इंडिया के ऐसे प्रैंकस्टर्स के बारे में जिन्हें प्रैंक स्पेलिंग भले ही ना आती हो, मगर इनको प्रैंक करने की चुल सवार है। उन्हीं में से एक ये भाई, इस लौंडे ने ये प्रैंक करके ये साबित कर दिया कि बकचोदी की कोई एज नहीं होती। तो चलो इसकी वीडियो देखते हैं। दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल लिटिल हमजा पे। इंट्रो कर रहा है या फिर डांस की प्रैक्टिस? इंट्रो तो एक जगह खड़े होकर कर ले। आज मैं जा रहा हूँ कोलकाता स्प्राइट। हैं, कहाँ जा रहा है तू? कोलकाता स्प्राइट। भाई अब जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं बची, क्योंकि भाई आज मैंने कलयुग बाबा के दर्शन अपनी इन्हीं दोनों जिंदा आंखों से कर लिए। भाई एक ये थे और एक हम है, हमारे जमाने में क्या होता था। जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे। गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि हम जीवन भर आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन भाई अगर आज के बच्चों को ये भी पूछ लो कि भाई इनसे अगर तुम कॉल और क्रश की स्पेलिंग अलग अलग पूछो तो भी नहीं ये बता पाएंगे। चले हैं कॉल क्रश प्रैंक करने। यार इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए तुम। हेलो, कहाँ हो? मैं यहीं पर हूँ। हाँ कितनी देर हो गई पता तुमको? रोज तुम्हारा यही हो गया, डेली दो दो तीन तीन घंटे वेट कराते हो। मैं टट्टी करने गया था, वहाँ पर 15 मिनट लग जाते हैं, तो मैं क्या करूँ? 15 मिनट टट्टी करने में बस? भाई इसको नॉर्मल टट्टी करने में बस 15 मिनट लगते हैं, अगर जो इसका पेट खराब हुआ तो क्या भाई होगा? तब तो इसके 15 मिनट 15 into 100 हो जाएंगे। भाई थोड़ा टाइम टेबल करो और सपोज करो कि इसकी शादी होने वाली और है और इसकी शादी में इसका जयमाला पड़ने वाला है। तो भाई जयमाले के मुहूर्त से 5 मिनट पहले इसको पॉटी हटी है तो क्या होगा? और भाई जब इसके 15 into 100 मिनट पूरे हो जाएंगे तो बाहर भाई समझ रहे हो ना बच्चों को इसे पापा कहना चाहिए, वो इसे मामा कहेंगे। आई नो भाई तेरे दिल पे क्या गुजर भाई, तो वो इसकी प्रॉब्लम है, अपने को क्या। तो चलो आगे देखते हैं। नंगा आ रहा हूँ मैं तो कच्चे में। क्या भाई तू नंगा आ नहीं रहा, तू भेजा जा रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सो इसके पापा ने इससे पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो इसने मुंह उठा करके जवाब दे दिया कि कॉल कर स्प्राइंग करने। और जैसे ही इसने बोला कॉल कर स्प्राइंग करने, सो फिर जो हुआ समझ रहे हो ना इसके पापा का गुस्सा सर में और इसका सर जमीन में। और इसके पापा ने कहा कि बेटा तू मेरे घर पे रहने के लायक नहीं है, तू निकल जाए। तो ये जनाब मुंह उठा करके गेट की तरफ चल देते हैं और आज जाते जाते ये अपनी आखिरी निशानी भी अपने घर पे ही छोड़ के आ गए, इसीलिए ये जनाब नंगे आ रहे हैं। छोटू हाँ, तो मेरी बातों की रिप्लाई क्यों कर रहा है? मैं तो अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। भाई सीरियसली तुम्हें इस माचिस की तिली की एज देखकर लग रहा है कि ये छोकरिया पटा सकता है? भाई मैं अगर सीरियसली अपनी ओपिनियन से बोलूं तो नहीं भाई, ये कलयुग बहुत तेजी से फैल रहा है, मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ, क्योंकि भाई इतु से बच्चों की गर्लफ्रेंड हमारे टाइम पे तो नहीं होती थी। भाई तू अभी भी प्रेजेंट में ही है, सीधा सीधा बोलना कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गाइस ये झूठ बोला, इसकी बातों पे विश्वास मत करें, है मेरी गर्लफ्रेंड। अरे भैया अब कितना झूठ बोलोगे बता दो, नहीं है ना? भाई सीरियसली नहीं है यार। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया में बस हम तीन ही कमारे बचेंगे, सलमान भाई, मैं और पोपट लाल। दो दो घंटे वेट करवाते हो मेरे से, भूख लग रहा तो गोबर खा लो ना, भूख लग रहा तो गोबर खा लो ना। भाई गोबर ये क्या, आलू प्याज केला भिंडी टमाटर मटर गोभी पालक पनीर कोफ्ता ये सब शादियों में सजावट के लिए है क्या? भाई यार सीरियसली तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें भूख लगती है तो क्या तुम गोबर खाते हो? नहीं ना। लेकिन भाई शख्स की देखो, ये गोबर खा सकता है। जी हाँ ये गोबर खा सकता है। तो ठीक है, लेकिन बार बार ये वीडियो में गर्लफ्रेंड करके भाई जख्मों पे नमक मत छिड़कना यार मेरे भाई। देख लो मोबाइल पे तो, कहीं और जाके बात कर ले। कहाँ से बात करूँ मैं जाके? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। हाँ वो पता है कि भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, दूसरे की से करेगा तो वो तुझे फेंक देगा उठा के। लेकिन भाई इस बार जो तूने कहा वो अगली बार मत कहना प्लीज यार, जख्मों पे ना मत छिड़क भाई। यार मैं क्यों बात करूंगी इससे, पिद्दी से आओगे खुद देख लेना तुम, मैं क्यों बोलूंगी इसको। पिद्दी में तुम्हारी जैसे छह लोंडिया पटा रखी है मैंने। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। ओ छे ओ गाइस,
एम्बुलेंस को कॉल करो। मैंने नहीं जनाब। ओहो भाई सीरियसली इस लड़के ने 6-6 लड़कियां पटा रखी है। माय गॉड भाई क्या आप कुछ नहीं, जिंदगी में लानत है मुझ पे मेरे को यार। भाई सिंगल लौंडे इस वीडियो को देखने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चुल्लू पर सैनिटाइजर पे डूब मरो। हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तू मेरी बातों का रिप्लाई कर रहा है, मैं थोड़ी कर रही हूं। तो मेरा मूड खराब कर दिया। अरे यार नहीं, वो छोटा सा बच्चा है, उसको मतलब बार बार बोले जा रहा था। एक मिनट गाइस, भाई हमने यूट्यूब पे प्रैंक्स में देखा हो कि जो प्रैंकस्टर रहता है उसके पास कहीं ना कहीं एक माइक जरूर है, जो सामने वाला बंदा या बंदी है उसकी आवाज अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा ये उठ के जा रहा, अगर माइक इसके पास था फिर भी इस लड़की की आवाज इतनी क्लियर क्यों रिकॉर्ड हो रही है, आखिर क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या है क्या है? अरे जरा मैडम जी के साइड में भी तो देखो, उधर भी एक फोन रखा है। तभी मैं कहूँ मैडम जी की आवाज इतनी क्लियर क्यों रिकॉर्ड हो रही है। और भाई किसी के बगल में फोन रखा और उसको पता भी ये ना। महाराणा प्रताप के जमाने में होता था, अब नहीं। अब तो भाई जिसको फोन दिख जाता है बस जेब में। लेकिन भाई जो भी कहो, लौंडे ने एक्टिंग बहुत बढ़िया, भाई इसको अवार्ड मिलना चाहिए, इंडियन नंबर वन स्क्रिप्टेड प्रैंक का। जी हाँ, इंडियन नंबर वन स्क्रिप्टेड प्रैंक, क्योंकि भाई ये वीडियो 100% शुद्ध पतंजलि स्क्रिप्टेड है। सो यही थी यार आज की वीडियो। तो कैसी लगी वीडियो? अगर जो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और भाई वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो। व्हाट्सएप हर जगह भाई इस वीडियो को शेयर करो, समझो यार वायरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यही थे और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।